से कोई मारता है अपनी बहन को? हाँ, दोनों भाई, तीनों भाई बहन है, ठीक है, फिर भी देखिए अपने में मारपीट कर रहे हैं, जैसे हम और पवन करते हैं ना, ऐसे ही जैसे पवन और हम मारपीट करते हैं वैसे ये दोनों सब कर रही हैं, दोनों बहन बहन है। मरमू मम्मी। पता नहीं क्या इन लोगों में तुक भी चल गया है कि अपने में देखिए पटका पटकी कर ली है सब। छोड़ दो, ओए छोड़ा, इसको समझ आता है लेकिन ना कुछ देर बाद जब इसको मम्मी समझाती है डिटेल में तब समझ आता है इसको। और ये तो वाइट और ब्लैक वाली तो एकदम बदमाश है, इसीलिए मार खाई है। अरे तोड़ रहा है फूल गेना, हमारे गेना वाले भाई। इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, बताया था मैंने पहले, शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। हाय टूटल। और ना एक बात बताऊँ, इस पौधे का ना डंडी बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है, बहुत ही जल्दी। क्या मुस्कुराहट, वाह, 1 रुपया दी का। इसके मुस्कुराहट पे बोलिए तो 1 रुपया दिया जाए। मुस्कुराता बड़ा प्यारा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है एकमात्र, और बड़का वाला तो नहीं मेरे से उतना जमता है, तो कि वो दूसरे विचार का है और इससे मेरा जमता है। हश, हो गया, टूट गए, चलो उतर जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है शुक्रवार, और आज और कल के ब्लॉग को मैं इंक्लूड करूँगी। देन की तबीयत बहुत ही ख़राब सा लग रहा है, और यहाँ चढ़ गया है, क्या चढ़ा है, क्या चढ़ा, दिया जला जाता है, उसको भी याद नहीं आ रहा, मतलब दीपक जो 1 महीना जलाया जाता है ना, मम्मी ने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ तुलसी जी के पास ना दीपक जला दिया। और अभी मैं जा रही हूँ दवा लेने, और क्योंकि संडे को है करवा चौथ, और आज शुक्रवार अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा ना तो सब कुछ पोपट हो जाएगा, और कुछ कुछ सामान लेना है तो वो सब लेके आऊँगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोग के साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। और फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो गया ना, तो बहुत ही अच्छा सा ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, और मौसम भी अब ठंडी वाला आ गया, स्टार्ट हो गया है। और देखिए दूर दूर तक रोड पे कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शाम को जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों ना कभी कभी हो जाता है तबीयत भारी अचानक से, वैसे ही मुझे सुबह से हुआ है, और सुबह बहुत ही हैप्पी थी बट तबीयत अचानक से ख़राब हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो जो भी लेना है फटाफट से लेके आऊँगी, बिकॉज कल भी जाना है चौराहे पे, तो उसके लिए सिर्फ मेहंदी के लिए जाना पड़ेगा, काम नहीं करना होगा कुछ, तो कल जाऊँगी मेहंदी लगवाने। तो चलिए ले चलते हैं आपको, इसका काम दिख रहा है। कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। और अभी सुबह के हो रहे 8:35, मैं जस्ट नहा के आई हूँ, देन मैंने ये लहंगे का ब्लाउज डाल लिया है। और आप लोग सोचोगे कि सुबह सुबह मैंने लहंगा क्यों पहन लिया, कल तो करवा चौथ है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं आज शूट कर रही हूँ मेकअप वीडियो अर्ली मॉर्निंग, मतलब 8:30 ही मेकअप वीडियो शूट करने के लिए आ गई हूँ, जस्ट नहाई उसके बाद से यही पहन ली। तो ये है मेरे पिछले साल के करवा चौथ वाला लहंगा, जो कि 1-2 बार पहनी हूँ मतलब करवा चौथ के बाद से। तो सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और आज लगवाने जाऊँगी मेहंदी, तो ओ और मतलब मेहंदी का ब्लॉग आज होगा। और रात में मेरा आँख थोड़ा ज़्यादा सूजा लग रहा होगा, रात में हो गई अमित जी से लड़ाई, और रोई भी थी रात में, तो अभी सुबह उठ के फटाफट से नहा के, और एक काम भी, मतलब गुस्सा एक तरफ और झगड़ा लड़ाई एक तरफ है, यूट्यूब का काम तो एक तरफ है, वो तो झगड़ा लड़ाई भी होता रहेगा, और मेकअप वीडियो भी बनाना ज़रूर था क्योंकि कल है करवा चौथ, और मेरा प्लान था कि मैं करवा चौथ मेकअप लुक लेके आऊँ, तो लड़ाई हो गई भीषण वाली। अब देखते हैं, अभी तक तो फ़ोन नहीं आया, चले गए ड्यूटी, फिर दोपहर में फ़ोन करेंगे, जैसा होगा बात करूंगी मैं उनसे, और गलती मेरी ही थी मान लेती हूँ, मोटे मान लेती हूँ, देख लो गलती मेरी थी तो मैं मान लेती हूँ, हाँ मेरी गलती से लड़ाई हुई है। और
मैंने कुछ किया था तो उनको गुस्सा आ गया उस चीज़ पे। तो चलिए अब ये सब तो लगा रहेगा, चलती हूँ पहले मेकअप वीडियो शूट कर लेती हूँ फटाफट से, देन उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और आ जाऊँगी मेहंदी लगवाने, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जा रही थी कॉम करके मेकअप वीडियो शूट करने, तो भाई का हो गया पास्ता खाना है, तो मैंने भी सोचा कि कुछ नाश्ता बना के खा लेती हूँ। तो नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता, तो मम्मी अभी कट कर रही है प्याज और मिर्चा, मैंने अभी भाई ना आ रहा है तो इधर चढ़ा दी हूँ मैक्रोनी बॉयल होने के लिए, मतलब मैक्रोनी बना रही हूँ, और इधर कढ़ाई भी रख दी हूँ, एक तरफ प्याज भून लेती हूँ फटाफट से, बना लेती हूँ नाश्ता करके फिर करूँगी कॉम, देन उसके बाद करूँगी मेकअप वीडियो शूट। रेडी हो गया हमारा पास्ता, कर लेते हैं नाश्ता। ब्लॉग हो गया कंप्लीट, अब चल रही हूँ मैं करने नाश्ता, और घर का है हालत ख़राब, दिन सब कुछ साफ़ सुथरा करूँगी, सामान सारा इधर का उधर हो गया तो सारा कुछ अरेंज करूँगी, और कुछ लुक ऐसे आया था, अभी बैटरी हो गई है डिस्चार्ज, क्योंकि मेकअप लुक क्रिएट किए 1 घंटा हो गया, मैंने रील्स बनाया तो रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाइए आप लोग। अब कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद खाना खाऊँगी, आराम करूँगी, फिर जाऊँगी मेहंदी लगवाने, तो जो भी होगा आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो फैमिली अब चल रहा है मेहंदी लगवाने, और मेहंदी जा रहे हैं चौराहे पे ही लगवाने, अपनी फ्रेंड के सिस्टर से लगवाएंगे, तो ये वाले ये रिंग ऊपर थे तो ये वाले डाल लिए हैं, और छोटा वाला भाई ले जा रहा है छोड़ेगा, देन मंदिर पे है मेला तो मेला करके आ जाएगा घर, मुझे मेला नहीं करना है, बस मैं मेहंदी लगवाऊँगी, और इसको जब फ़ोन करूँगी ना शाम में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर ये आएगा तो मुझे ले कर फिर जाएगा वापस। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मेला का भी व्यू दिखाते हैं आप लोगों के साथ। अब इसी रास्ते जा रही थी तो सोचा कि आप लोग को मेला दिखा देती हूँ, तो बहुत ही भारी मेला लगता है, जैसे कि मैं थोड़ा उजाले में जा रही थी, जब थोड़ा अंधेरा होता है 6-7 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर, तो यहाँ रावण दहन वाला हो रहा था यहाँ पे रामलीला में, जो भीड़ देख सकते हैं काफ़ी है, हमारे मंदिर का है जो मतलब हमारा मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर जो है वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने बाइक पे ही बैठ के शूट कर लिया जो भी कर पाई पॉसिबल था, और ये वीडियो ना शुक्रवार और शनिवार की मिक्स है, और संडे को सुबह में मैं एंड कर रही हूँ, तो 2 दिनों का, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और मेकअप वीडियो कल बना दी, बहुत सारा काम पता ही होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसके बाद आ गई थी चौराहे पे, मैं बोली कि भाई को कि हमको मेहंदी के लिए छोड़ दो आप, और सब्जियां खरीद के दे देती हूँ, आप लेते जाओ मेला करके घर पे सब्जी दे देना, देन फ़ोन करूँगी तब आना। तो यहाँ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी, इनका नाम है सेजल और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अंजलि, उनकी सिस्टर है, तो जब भी कुछ होता है ना मैं इनके पास ही आती हूँ मेहंदी लगवाने, बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती हैं, और दोनों हाथ में मेहंदी लगाई, थैंक यू सो मच सेजल। और जब तबीयत ठीक नहीं होता ना तो कुछ भी करो तो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत ही दर्द अजीब सा हो रहा है 2-3 दिनों से, मतलब बृहस्पतिवार की शाम से ही, तो इसके वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी ज़रूरी था, इतना लग गया है, दोनों हाथ में फुल लगवाऊंगी फिर जाऊंगी घर। मेहंदी लगवा के आ गई हूँ घर, और रात के अभी बज रहे हैं 6:50 हो रहे हैं शाम के, और बहुत टाइम लग गया, हम गए थे 3 बजे और आए हैं 6 बजे, 20-25 मिनट हो गया है, 6-7 पूरा दोनों हाथ में फुल मेहंदी लगा लिया, बस उंगलियों पे लगाना है, और उसके बाद मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी, मम्मी इतना फुल लगाती नहीं है, बस उंगलियों पे और थोड़ा सा इस पे और पीछे लगवा लेती हैं, तो उनको मेहंदी लगाऊंगी, और सुबह ब्लॉग को कंटिन्यू करके एंड करूँगी, क्योंकि अभी कुछ भी मन नहीं हो रहा है, 3-4 घंटे मेहंदी लगवाने में लग गए, और
काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो, जब छूटेगा तो कलर आएगा, सुबह दिखाऊंगी आप लोगों से। चलिए तब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे है और मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आया है दोनों हाथ का। और सुबह का अभी टाइम हो रहा है 9:45 हो रहा है अभी टाइम। और मैंने जितने भी कपड़े उपड़े थे धुल दिए हैं, घर पूरा साफ कर दिया है, नीट एंड क्लीन। बस किचन धुलना है और सुबह का जो खाना बनता है ना लंच वाला, वो सब बन गया है। पापा खाना खा रहे हैं, उसके बाद दोनों भाई लोग खाना खाएंगे, देन किचन और बर्तन धुल के बस नहाएंगे हम। 11 बजे तक नहा लेंगे, तब तक सब लोग लंच कर लेंगे। उसके बाद ये रहेगा ना कि अब कुछ भी जूठा उठा वाला किचन में नहीं काम है, बस नया सब कुछ करके बनाना होगा। तो इसके लिए से तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए प्यारे से ब्लॉग में आगे। तब तक के लिए बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मुझसे आप बात कर सकते हो। देन मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।